नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। तबाइफो की जिंदगी पर बेस्ड वेब सीरीज हीरा मंडी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। इस सीरीज ने रिलीज के साथ ही यूजर्स की धड़कनें बढ़ा दी है। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी हीरा मंडी की स्टोरी को व्यूअर्स काफी पसंद कर रहे हैं। सीरीज में बदनाम गलियों में चमक बिखेरती तबाइफों की जीवन को पर्दे पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। कहानी तो अच्छी है ही, लेकिन इसके गाने भी फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं। भंसाली अक्सर अपनी फिल्मों में गाने के जरिए ही पूरी कहानी या उसके करेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए जाने जाते हैं। इस सीरीज में एक ऐसा ही सॉन्ग फूल गेंदवा ना मारो, जो इस समय व्यूअर्स और सुनने वालों के जुबान पर चढ़ा हुआ है। क्लासिकल सिंगर रसूलन बाई के इस सॉन्ग को खूब पसंद किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि दिल को छू लेने वाले इस गाने के सिंगर की अपनी रियल लाइफ स्टोरी बहुत कुछ हीरा मंडी से ही मिलती जुलती है। आइए आपको बताते हैं रसूल बाई की लाइफ के बारे में, जिन्होंने जीवन के हर रंग और संघर्ष के बावजूद अपनी कला के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। बनारस घराने से आने वाली रसूलन बाई ने 5 दशक तक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में अपना नाम बनाया। 5 साल की उम्र से ही रसूलन की पकड़ क्लासिकल रागों पर बहुत अच्छी थी, क्योंकि उन्हें अपनी माँ से संगीत विरासत में मिला था। वैसे तो रसूलन की कई तरह की गायकी पर मजबूत पकड़ थी, मगर ठुमरी, दादरा, पूर्वी गीत, खोरी कजरी और चैती जैसे पारंपरिक गीतों के मास्टर थीं। मगर ये जानकर कई लोग चौंक सकते हैं कि संगीत नाटक अवार्ड से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से सम्मानित रसूलन मुजरे की विरासत से आई थी। वह बनारस की गलियों में एक कोठे पर काम करती थी। हालांकि रसूलन ने खुद 1948 में कोठा छोड़कर एक साड़ी के डीलर से शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद रसूलन बाई ने एक बार फिर से अपने गाने का जादू लोगों पर चलाना शुरू किया। उन्होंने लखनऊ और इलाहाबाद के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर गाना शुरू किया। उनके गानों को यहीं पर विनायल रिकॉर्ड्स की शक्ल भी मिली और देखते ही देखते ग्रामोफोन पर उनकी आवाज घर घर गूंजने लगी। लेकिन उनकी जिंदगी में ये खुशियां महज कुछ चंद दिनों के लिए ही आई। रसूलन को काम के चलते कुछ साल सूरत में रहना पड़ा, जहाँ 1969 में गुजरात के कम्युनल दंगों में उनका घर जला दिया गया। इसके बाद वो वापस इलाहाबाद लौट आई और जिस रेडियो स्टेशन पर कभी वो गाया करती थी, उसी के बाहर उन्होंने चाय की दुकान खोली। उम्र के ढलते पड़ाव पर जब उनकी आवाज वैसे दमदार नहीं रही, तो उनकी जिंदगी भी गरीबी में धंसती चली गई और आखिरकार 15 दिसंबर 1974 को 72 साल की उम्र में रसूलन ने अपनी आखिरी सांस ली। संजय लीला भंसाली ने हीरा मंडी में ऋचा चड्ढा के किरदार के एक ट्रेजिक सीक्वेंस में फूल गेंदवा ना मारो को यूज किया है। उनकी ये सीरीज आजादी से पहले लाहौर के तबाइफों की जिंदगी पर बेस्ड है और ऐसे में रसूलन बाई की कंपोजिशन से इंस्पायर एक गीत का हीरा मंडी में आना अपने आप में एक सर्कल पूरा करता है। उनकी ये सीरीज आजादी से पहले लाहौर के तबाइफों की जिंदगी पर बेस्ड है और ऐसे में रसूलन बाई की कंपोजिशन से इंस्पायर एक गीत का हीरा मंडी में आना अपने आप में एक सर्कल को पूरा करता है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट।